अर्जुन के सामने जो कई प्रकार के मन की कठिनाइयाँ आई, ये आज आधुनिक मानव उसको और भी अधिक प्रकार से उस अवस्था से वह गुजर रहा है। और इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रतिनिधि बनाकर के जो मानव मात्र को संदेश दिया है वह कितना उपयोगी है, इसकी विस्तृत चर्चा हमने की थी श्रीमद् भगवद गीता के प्रारंभ में। जो महात्म संबंधी श्लोक हैं और साथ साथ में ध्यान संबंधी श्लोक हैं, जिनकी आवृत्ति हम लोग प्रत्येक चर्चा के प्रारंभ में कर लेते हैं, उसके अर्थ को भी हमने जानने का प्रयत्न किया था। और हमने यही कहा था कि जितनी मात्रा में हम भगवद गीता के महात्म को समझ सकेंगे, उतनी मात्रा में हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण के संदेश के प्रति, भगवद गीता के संदेश के प्रति श्रद्धा का उदय होगा। और जितनी मात्रा में श्रद्धा बढ़ेगी, उतनी मात्रा में हम इस संदेश को और अधिक अच्छी तरह हृदयगत कर सकेंगे और उसका पालन करके हमारा मानव जीवन सार्थक कर सकेंगे। इस प्रकार से विस्तृत भूमिका के बाद हम लोगों ने भगवद गीता के 9 अध्याय की चर्चा समाप्त कर ली। 10वें अध्याय की चर्चा चल रही है, जबकि 36वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, द्यूतम छलयतामस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम जयोस्मी व्यवसायोस्मी सत्तम सत्वकामहम। मैं धोखा देने वालों में अक्ष क्रीड़ा रूप छल हूँ, अर्थात जिसको जुआ बोला जाता है, गैम्बलिंग। तेजस्वी में मैं प्रभाव हूँ, मैं जय हूँ, अध्यवसाय भी हूँ और सात्विक व्यक्तियों में सत्वगुण हूँ। कहने का मतलब जहाँ जहाँ भी कुछ महादर्शी भी हुई है उस जगह सब जगह पर भगवान की विभूति है, उसी को विस्तार से समझा रहे हैं। और हमने इसको समझाने का प्रयत्न किया था कि सेमिटिक रिलीजियस में जो इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म, वहाँ पर जिस प्रकार से शैतान की कल्पना है, हमारे यहाँ पर हमारी भारतीय दर्शन में, सनातन धर्म के दर्शन में वह कल्पना नहीं है। ये डिकोटॉमिक यूनिवर्स नहीं है, ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है। पर हाँ, उस माया को, उस अज्ञान को या माया को स्वीकार किया गया है, पर यह कहा गया कि माया का भी अंत होता है। जब माया का अंत होता है व्यक्ति के जीवन में, तब उसे वह परम सत्य की उपलब्धि होती है। तो जिन वस्तुओं को जिन चीज़ों को हम लोग उसका वर्णन नहीं कर सकते या उसकी हम लोग समझ नहीं सकते, तब उनको हम माया के नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ पर यह कहा गया, तो सेमेटिक रिलीजन के लिए तो यह कहना तो कभी नहीं कहेंगे, वो तो यही कहेंगे जितनी खराब चीज़ें हैं वो शैतान की हैं, अच्छी चीज़ें ईश्वर की हैं। पर जब ईश्वर छोड़ के कुछ है ही नहीं, तब हमें कहना पड़ता है ये भी सब चीज़ें ईश्वर के ही स्वरूप है। केवल किन परिस्थितियों में उसका उपयोग होता है या किस प्रकार से उसका उपयोग होता है, उस पर वह अवलंबन करती है। और इसका मतलब, और यदि ईश्वर ने जहर जो है वह भी ईश्वर का बनाया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जहर खा लें, उसका एक अपना महत्व है। जहर का वह एक दवाई है, वह दवाई के रूप में, औषध के रूप में काम कर सकता है। और वही, क्योंकि दवाई ईश्वर ने बनाई है, तो ईश्वर की बनाई वस्तु को लेने में क्या हरकत है, ऐसा करके भी हम जहर को खा लें तो वह जिस प्रकार से उपयुक्त नहीं होगा, उसी प्रकार से यहाँ पर जब कहा द्यूतम छलयता अस्मि, जितनी छल विद्याओं में मैं जुआ हूँ, तो हमको जुआ खेलना चाहिए। इस प्रकार की हम यह बात हम यह नहीं कह सकते। क्यों? यहाँ पर जो कहा गया वो विभूति के रूप में कहा गया, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए इसका अभी प्रस्ताव नहीं चल रहा है।
चल रहे हैं, चल रहा है कि कहाँ कहाँ पर वो उपलब्ध है, ग्रहणीय है, ऐसा नहीं कहा। ऐसा कहा गया कि सभी जगह पर वही ईश्वर छोड़कर कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ भी कुछ भी चीज़ें महान दिखती हैं, चाहे बाहर से हमें अच्छी दिखती हों खराब दिखती हों, जितनी महानता है वो महानता उस ईश्वर की महानता के कारण है, ईश्वर के अस्तित्व के कारण है। तो यहाँ पर हमें यही विशेष करके ध्यान रखना। दूसरी बात यह भी याद रखनी होगी कि ये 5000 वर्षों पूर्व ये कहा गया, उस समय की जो राजनीतिक स्थिति अलग थी। उस समय के ज़माने में डेमोक्रेसी नहीं थी, राजा लोग थे और राजा लोगों की परंपरा थी। राजा लोगों की परंपरा में ये द्यूतम, ये सबसे बहुत ही अधिक ऐसे शतरंज वगैरह भी थे और भी अधिक खेल थे, पर ये द्यूतम जो था जो हुआ खेलना, वह मानो उन लोगों के उसमें एक स्टेटस का सिंबल था। और इसीलिए हम देखते हैं कि वो युधिष्ठिर ना नहीं कह पाते हैं। उनको आज की परिस्थिति में लगता है अरे युधिष्ठिर इतने सारे सद्गुणों के रहते हुए भी ऐसी उनमें वीकनेस आ गई कि उन्होंने जुआ खेला, पर हम उनको आज जज कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं उनके साथ। आज की परिस्थिति के अनुसार हम उन परिस्थितियों को देखें, उस समय के ज़माने में कोई भी राजा, उसको यदि यह चैलेंज दिया गया जुआ खेलने के लिए, तो वो परंपरा थी कि वो नाम नहीं कह सकता था। वो एक प्रकार से एक पराजय को स्वीकार करने से भी अधिक लांछन रूप कहा जाता है। उनकी उस परिस्थिति अलग थी। और आज भी अब जैसे गैम्बलिंग के बहुत सारे प्रकार हैं, अब सरकार भी लॉटरी निकाल रही है, तो गैम्बलिंग ही तो हुआ। तो गैम्बलिंग नहीं हुआ तो और क्या हुआ, ये भी एक प्रकार की गैम्बलिंग है। तो श्री रामकृष्ण कह रहे हैं किसी भी प्रकार का गैम्बलिंग, किसी भी प्रकार का जुआ वो ठीक नहीं। परंतु उस समय के ज़माने में ये कहा गया कि सभी जगह जब वही हैं, जितने भी खेलों में जो सर्वश्रेष्ठ वो हैं, गेम्स में सर्वश्रेष्ठ वो हैं, म्यूजिक में सर्वश्रेष्ठ वही विभूति, जहाँ जहाँ जो भी विभूति है वो ईश्वर की विभूति है, उसको समझाने के लिए कहा गया था। पर इसका मतलब यह नहीं कि वो ग्रहणीय है, इसको हमें याद रखना पड़ेगा। फिर फिर श्री रामकृष्ण कहते हैं वृष्णी नाम वासुदेवोस्मि, पांडवानाम धनंजय, मुनीनाम अप्यहम व्यास, कवीनाम वृष्णा कवि, अहम मैं वृष्णी नाम वृष्टि वंशियों में वासुदेव, वासुदेव कृष्ण, पांडवानाम पांडवों में धनंजय अर्जुन, मुनिना अपि मुनियों में भी व्यास, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, कवीनाम कवियों में उष्णा कवि यानी कवि शुक्राचार्य, अस्मि हूँ। कहने का मतलब मैं यादव कुल में वासुदेव कृष्ण हूँ, पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, वेदार्थ मननशील मुनियों में मैं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, और कवियों में कवि शुक्राचार्य। तो कहने का मतलब यह है कि सचमुच पूछा जाए तो ईश्वर ही सब कुछ बने हैं। तो जहाँ ईश्वर शक्ति का अधिक विकास है, वही वहाँ ईश्वर की विभूति का विकास देखकर मनुष्य उन्हें ईश्वर समझ कर पूजा करते हैं। वही कृष्ण रूप में, फिर वही वेद व्यास, तो वही असुर के गुरु शुक्राचार्य हैं, सभी में वह विभूति रूप से प्रकाशित हैं। अब जहाँ तक वेद व्यास का सवाल है, यह शब्द बहुत बड़ा असमंजस वाला है, क्योंकि कई जगह कहा गया ये भी वेद व्यास ने कहा, ये भी वेद व्यास ने कहा, तो ऐसा लगता है कि व्यास, वेद व्यास या व्यास, वो एक टाइटल थी, एक मनुष्य का नाम नहीं था। ऐसे शास्त्री, कोई भी व्यक्ति जब कोई कथा करते हैं तो बोले शास्त्री जी आए थे, इसका मतलब नहीं कि उसका सरनेम शास्त्री है। शास्त्री कई हो सकते हैं, जो भी कथा कहता है वही शास्त्री। उसी प्रकार से जो भी इस प्रकार से वह करता था उसको वेद व्यास के नाम से पुकारा जाएगा। तो इसलिए ये वेद व्यास एक मानव उपाधि है, एक टाइटल है। विष्णु पुराण में लिखा है अष्टाविंशी तृतीय वेद व्यासा पुरातना,
अर्थात प्राचीन वेद व्यास 28 ही है। इससे प्रतीत होता है कि व्यास वेद विवाह करने वाले मुनियों की उपाधि है, एक मनुष्य नहीं, एक व्यक्ति नहीं। और व्यास पुराण आदि की भी रचना करते हैं, और ये जो व्यास है वे पुराण आदि की रचना भी करते हैं, इतना ही नहीं कि वेदों का विभाजन करें पर रचना भी करते हैं। और जितने इस प्रकार से कितने वेदों, कितने व्यास लोगों ने कितने प्रकार के पुराण लिखे, किसी ने सब दूसरे प्रकार के ग्रंथ लिखे, ये सभी के सभी आदि व्यास के नाम से चले आ रहे हैं। कृष्ण द्वैपायन व्यास ने वेदों का विभाग किया था, और इसमें सबसे जो प्रमुख हैं व्यासों में कृष्ण द्वैपायन व्यास, उनके पहले तीन वेद थे जो यजु और साम, इन्होंने अथर्ववेद उसमें जोड़ करके वेदों का पुनः विभाजन चार वेदों में किया। इसी कारण उन्हें वेद व्यास कहते हैं, क्योंकि वेद का विभाजन किया इसलिए उनको वेद व्यास कहते हैं। तो यह जो व्यास, ये मानो एक शास्त्री जिस प्रकार से कहते हैं, व्यास भी एक प्रकार से उपाधि है। तो ऐसे व्यास कई हुए, पर एक जो व्यास, व्यास मुनि जिन्होंने वेदों का विभाजन किया, 18 पुराण लिखे, तो विशेष रूप से ये जो कृष्ण द्वैपायन व्यास, इनकी एक अलग प्रकार की इनकी स्थिति है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, तो जितने वेद व्यास हैं मुनियों में, जितने मुनि हैं उसमें मैं व्यास हूँ, वेद व्यास हूँ, कृष्ण द्वैपायन व्यास हूँ, मैंने सर्वश्रेष्ठ मुनि मैं। उसी प्रकार से कवियों में पहले तो कवि केवल उसको नहीं कहा जाता था जो कविता लिखे, तो कवि मतलब कहा जाता था जो ज्ञानी है। वो ज्ञानियों में उष्णा कवि, कवि शुक्राचार्य, वो सर्वश्रेष्ठ माने गए। वो बोलते भगवान बोलते मैं उसमें मैं ही हूँ। वृष्णि नाम वृष्णि अंश यानी यादवों के अंश में, तो यादवों के अंश में सर्वश्रेष्ठ कौन है, वो तो हमको बोलना पड़ेगा भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, तो उनका नाम ही है ये वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो सारे जगत के वंदनीय ऐसे भगवान श्री कृष्ण, ये वसुदेव है, वासुदेव के पुत्र वसुदेव थे। तो ये यहूदी, ये हमारे यादव वंश में जन्म लिया, वृष्णि अंश में जन्म लिया। तो वृष्णि अंश में जितने वृष्णि वंश के लोग हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं। बड़ा आश्चर्य होता है, भगवान श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं अर्जुन को, और अर्जुन को बोल रहे हैं कि वृष्णि अंश में कौन है सर्वश्रेष्ठ, बोलते हैं वृष्णि अंश में वासुदेव कृष्ण ये सर्वश्रेष्ठ है, खुद ही बोल रहे हैं। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं तो श्री कृष्ण यादव कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, ये परब्रह्म परमात्मा, उस परब्रह्म परमात्मा के रूप में अपने आप को यह जानते हुए बोल रहे हैं कि मैं, मतलब वह जो परब्रह्म परमात्मा, उसके रूप में अभी भगवान श्री कृष्ण जो गीता का आख्यान कर रहे हैं वह मैं हूं। इस प्रकार से यादव कुल में वासुदेव कृष्ण मैं हूं, और फिर पांडवों में हमको लगता है पांडवों में तो युधिष्ठिर श्रेष्ठ हैं, सबसे बड़े भाई हैं और सत्यवादी हैं, पर नहीं, पांडवों में अर्जुन वो भी मैं ही हूँ। ये कैसे हो सकता है, अर्जुन को बोल रहे हैं हे अर्जुन सुन, मैं अर्जुन हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ और मैं ही अर्जुन हूँ, मैं ही यादव में श्रेष्ठ हूँ और मैं ही अर्जुन हूँ। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, यादव में श्रेष्ठ मैं हूँ वही वासुदेव हूँ, पर पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन वो भी मैं हूँ, ये कैसे हो सकता है। इसलिए कहा कि यहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं श्री कृष्ण के रूप में नहीं बोल रहे हैं, तो परब्रह्म परमात्मा, ये परब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार होते हुए सगुण साकार होकर के अभी वो गीता का उपदेश दे रहे हैं, ये सभी जगह व्याप्त हैं, इनकी विभूति के बारे में बोल रहे हैं। तो जहाँ जहाँ सर्वश्रेष्ठ है वहाँ मैं हूँ, तो वृष्णि वंश में सर्वश्रेष्ठ वसुदेव मैं हूँ, पांडव में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन वो भी मैं हूँ,
कहने का मतलब यह है कि जहां जहां श्रेष्ठता दिख रही है वो श्रेष्ठता ईश्वर के कारण है, वह दिव्यता का। यदि हमको गुरु से ज्ञान मिल रहा है, वो गुरु नहीं दे रहे हैं, गुरु शक्ति दे रही है। ये गुरु शक्ति, वह दिव्य शक्ति ही गुरु शक्ति है। ईश्वर हमारे गुरु के माध्यम से हम पर कृपा कर रहे हैं, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये जो विभूति किसकी है, विभूति ईश्वर की है। तो कहा गया कि ऋषि नाम वासुदेवोस्मि, पांडवा नाम धनंजय, मुनि नाम व्यास, कवि नाम कृष्णा कवि, दंडो गमयतामस्मि, नीति रश्मि जिगीषता, मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। अहम मैं दमयता, दमन कार्यों में दंड राजदंड अस्मि हूँ, जिगीषा जिगीषता जयला के इच्छुक व्यक्तियों में, नीति सामादि नीति अस्मि हूँ, गुह्या गोपनीय विषयों में मौन, एवं च ज्ञान वतां च और ज्ञानियों में ज्ञान वो मैं हूँ। तो कहने का मतलब मैं दमन कार्यों में राजदंड हूँ, जयलाभ करने के इच्छुक व्यक्तियों में साम दाम दंड भेद हूँ, गोपनीय विषय में मौन भाव हूँ और ज्ञानियों में ज्ञान हूँ। तो ज्ञानियों का ज्ञान वो भी मैं हूँ। गोपनीय विषय जो है, गोपनीय विषय बहुत सारे हो सकते हैं, सीक्रेट। तो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ वस्तु सीक्रेट कौन सी है, मौन रहो। उससे ज़्यादा सीक्रेट क्या हो सकता है, मौन। तो ये जो मौन है वो गोपनीय विषय में मौन भाव, ये भी मैं हूँ। तो असंयत व्यक्तियों को संयत करने के लिए दंड भी है, वह भी मेरी विभूति है। तो यह इसमें हम लोग ये कैसे भी दंड कैसे हो सकता है, जैसे वहां कहा गया जय जुआ इतनी खराब चीज है, उसमें भगवान की विभूति आ गई, ये कैसे हो सकता है। उसी प्रकार जहां दंड, ये भगवान की विभूति कैसे हो सकता है। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि दंड यह राजदंड है। तो राजदंड है, यह राजदंड है वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए। अब मान लो हमारे यहाँ अब तो राजा नहीं रहे, मान लो चीफ मिनिस्टर है, और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं नया चीफ मिनिस्टर बनाऊँ तो मैं दंड का व्यवहार नहीं करूँगा, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को उठा दिया, जिसको जो करना है करे। पुलिस नाम की वस्तु नहीं है, दंड नाम की वस्तु नहीं है, कोई पनिशमेंट किसी को नहीं दिया जाएगा, सब आप लोग मौज कीजिए। तो क्या करेंगे, जितने सारे विश्व के सभी टेररिस्ट यहाँ आ जाएंगे, सब यहाँ पर आ जाएंगे, जितने चोर हैं सब, जितनी ट्रेन जितनी आएगी बड़ौदा गुजरात, ये सब चोरों से भर्ती होगी, सब चोर यहाँ आ जाएंगे। जिसे उल्टा हुआ था, जब यहाँ पर ये भिखारियों को यहाँ पर एक हमारे कलेक्टर थे, बहुत अच्छे आए थे, तो उन्होंने सोचा भाई भिखारियों को इतनी ख़राब दशा है, तो भिखारियों के लिए अलग से उन्होंने बढ़िया सा एक मकान बनाया, उसमें उन लोगों को ट्रेनिंग, उनके ट्रेनिंग का प्रोग्राम कर किया कि वो जो भी सीखना चाहे सीखे, कंप्यूटर सीखे, टीवी की व्यवस्था की, मनोरंजन करे, खाना पीना रहना अच्छे से अच्छा खाना पीना रहना, और आराम करो, तुम पर भीख मत मांगो, एक नया जीवन तुमको मिलेगा, कुछ सीखना चाहो जो कुछ सीखना चाहो उसकी ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की। सब भगे, और बाद में बड़ौदा में एक भिखारी देखने को मिली, जितनी ट्रेन थी वो सब ट्रेन भर्ती कर करके सब भिखारी जा रहे हैं यहाँ से, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, एक भिखारी नहीं बचाई गई। सारो फरो फैल गए कि भाई ये एक नया कलेक्टर आया है, ये भिखारियों के लिए अलग प्रकार का जेल खाना किया है, जिसमें टीवी वाला जेल खाना है, ये खबर पहुंच गई। क्योंकि इन लोगों की जो इनकम है, यहाँ तो इनकम तो कुछ नहीं है, खाना पीना रहना है सब कुछ है, उनको तो इनकम चाहिए। कोई कोई किसी भिखारी की इनकम 10,000 रुपया होती है, 5,000 होती है, तो इसकी 1,00,000 होती है। एक भिखारी ने मुंबई में भी 3.5 करोड़ का एक फ्लैट खरीदा, पर अभी भी भिखारी है, भिखारी के रूप में वो अपना पैर काटा हुआ ऐसा ही दिखाता है, पट्टा बांध देता है, ऐसा लगता है कि पैर कटा हुआ है, उसी दशा में अभी भी भीख मांग रहा है, क्योंकि इससे बढ़िया और कोई धंधा है ही नहीं।
बिना कुछ किए इससे ज़्यादा ज़्यादा पैसा कहीं नहीं मिलता है। पर डे की इनकम बड़ा से बड़ा मैनेजर, बड़ा से बड़ा कोई होगा, 1 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा। मुंबई में भिखारियों को 1 लाख भी मिलता है जो मंदिर के पास बैठते हैं। तो जो भी होगा, कहने का मतलब है कि जैसे ट्रेन सब चली गई, भिखारी बैठ गए, ऐसे जितने टेररिस्ट सब गुजरात में आएंगे। बोले यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर से दंड तो खत्म हो गया है, यहाँ दंड नाम की वस्तु नहीं है। दंड मतलब सजा, पनिशमेंट, पुलिस ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम लोग अभी सज्जन बने हुए हैं, इसलिए नहीं कि हम सज्जन हैं, ये पुलिस हमको सज्जन रखती है। यदि आज ये कहा जाए कि भाई आप लोगों को कोई जितनी धाराएं हटा दी गई, कोई लॉ एंड ऑर्डर में कोई धारा नहीं जिसको जैसा करना हो करो, कोई दंड नहीं दिया जाएगा, और कोई पुलिस नाम की वस्तु, पुलिस को तो सबको रिटायर कर दिया है विद पेंशन, एक भी पुलिस नहीं है, आप लोग जिसको जो करना हो करो, तो क्या होगा आप कल्पना कीजिए। अभी पुलिस है, लॉ एंड लॉ है, नियम है, वकील है, जजमेंट है, कोर्ट है, तब इतनी बार इतने गुनाह हो रहे हैं, इतने क्राइम हो रहे हैं, और ये सब हटा दिया जाए तो कितने क्राइम होंगे। तो सबका अपना अपना एक स्थान है। लॉ एंड ऑर्डर यदि हमको सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर उनको रखना है देश में, तो लॉ लगेगा, ऑर्डर भी लगेगा, दंड भी लगेगा। जो लाभ के देवता बात से नहीं मानते हैं, तो केवल बातों से तो नहीं होगा, तो उनके लिए दंड आवश्यक है। और ये हम कह रहे हैं 5000 साल पहले की बात, कि जब यह राजाओं के लिए ये बहुत आवश्यक था कि वो राजदंड का व्यवहार करें और जो सज्जन है उसकी रक्षा करें। कैसे? दुर्जनों से, जो दुर्जन सज्जनों पर अत्याचार कर रहे हैं उनसे उनकी रक्षा करें। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहा कि तू क्या ये इस प्रकार कायरता की बात कर रहा है, तेरा स्वधर्म है सज्जनों की रक्षा करना। और भगवान स्वयं अवतार ग्रहण करते क्यों? तो क्या कहा वहां पर भगवान श्री कृष्ण 4th अध्याय में हम लोगों ने देखा था, यदा इदा ही धर्म से ग्लानित भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानम सृजाम्यहम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। तो परित्राणाम साधूनां, जो साधु मतलब ये साधु नहीं, जो साधु चरित्र हैं, जो सज्जन हैं, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और विनाशाय च दुष्कृतां, जो दुर्जन हैं, राक्षस हैं, उनका वध करने के लिए आते हैं, उनका विनाश करने के लिए आते हैं। इनका विनाश नहीं होगा तो पृथ्वी में कोई सुखी नहीं रहेगा, तो इनका विनाश आवश्यक है, इनके ऊपर दंड चलाना आवश्यक है, ये राजदंड आवश्यक है, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम में राजदंड आवश्यक है। तो ये जो कुछ भी है, अच्छा या बुरा, हमको ऐसा बुरा लग रहा है, अरे राजदंड में भी भगवान की विभूति है, पर सबसे ज्यादा दंड उसके द्वारा लॉ एंड ऑर्डर होता है। इसलिए दंड, दंड का मतलब केवल डंडा नहीं, आज के जमाने के लिए दंड है 1K47, आज के जमाने के लिए दूसरा कुछ हो सकता है, जो लेटेस्ट वेपन जिसके द्वारा आप अनलॉफुल लोगों को कंट्रोल करेंगे, चाहे वो टीयर गैस हो, चाहे वो विशेष प्रकार की गन हो, चाहे वो बंदूक हो, कुछ भी हो। तो केवल दंड का मतलब ये नहीं कि डंडा, डंडा पुराने जमाने में डंडा ही होता था, उसका कोई वेपन था नहीं, तो और राज दंड कहा जाता था। तो दंडो दमयता मस्मी नीति रश्मि जिगीषता, दमन कार्यों में मैं राज दंड हूं, और जयलाभ करने के इच्छुक व्यक्तियों में साम दाम दंड भेद हूं। तो जयलाभ करने के जो इच्छुक व्यक्ति हैं वो कैसे जयलाभ कर सकते, उसके 4 उपाय हैं, साम समझा कर लेना, दाम, दाम का मतलब होता है दाम देकर के लेना, जिसको हम आजकल की मॉडर्न लैंग्वेज में इंसेंटिव स्कीम, मजदूरों के पास काम कराना है, मजदूरों की एक यूनियन लीडर ने कह दिया कि स्ट्राइक होगी तो कुछ इंसेंटिव स्कीम दे दिया है, ये है दाम। और
दंड दंड की भी बात हुई कि जहाँ पर पनिशमेंट के द्वारा जो लोग क्रिमिनल्स हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट उनको उनके विरुद्ध में उनको दंड देना, सजा देना। और फिर भेद, भेद का मतलब होता है कि जहाँ पर उसके उसको अलग कर देना, उस पार्टी को अलग कर देना। इस प्रकार से जयलाभ करने के इच्छुक व्यक्तियों में साम दाम दंड भेद वो भी मैं ही हूँ, और ज्ञानियों में जो ज्ञान हो वो भी ईश्वर के मैं ही हूँ। और गोपनीय विषय हैं, जितने भी गोपनीय विषय हैं, सीक्रेट हैं, सो सीक्रेट वस्तुओं में सबसे ज़्यादा सीक्रेट कौन सी है? मौन। मौन की बहुत बड़ी महिमा गाई है, उसके ऊपर कई ग्रंथ लिखे गए, कई उसके ऊपर आलोचना कही गई कि मौन का अपना बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ दूसरी प्रकार से कहा गया है कि सीक्रेट वस्तुओं में मौन, यदि मान लो किसी ने मौन धारण किया तो आप कैसे उसके पास से सब उसने क्या क्या गड़बड़ किया आप कैसे निकालेंगे? उसने मौन धारण किया, यदि उसने कोई स्टेटमेंट दिया तब तो आप उसका कुछ इंटरप्रिटेशन अलग करके उसके ऊपर आप कुछ दावा कर सकते हैं या उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। बोलता ही नहीं है आदमी, करोगे क्या? मौनी बाबा, मौनी बाबा को कोई नहीं पहुंच सकता है। सबसे ज्यादा जो रहस्यमय रहस्य वस्तु है वो है मौन। ये तो हम लोग इस प्रकार से कहते हैं। वैसे मौन का अपना खुद का महत्व है, आध्यात्मिक साधना में मौन का बहुत बड़ा महत्व है। दूसरी बात है कि हम जब ईश्वर के बारे में बोलना चाहते हैं तो केवल एक ही वस्तु के द्वारा हम किसी को ईश्वर का वर्णन कर सकते हैं, वो है मौन। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वह जो अनंत है, वह जो अनंत परम सत्य है, वह हमारी इस समझ में नहीं आ सकता, इस समझ में नहीं आ सकता, इस बुद्धि के द्वारा समझ में नहीं आ सकता, अप्राप्य मनसा सह, और इस वाणी के द्वारा भी समझ में नहीं आ सकता। यह वाणी उस परम तत्व का वर्णन करने में असमर्थ है।